हरिद्वार में इंडियन बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन के द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें नशे के विरुद्ध ये संदेश दिया गया कि आज के समय में युवा सारा समय नशे में लगा रहता है, क्यों न सही उम्र के पड़ाव पर अपने लिए सही विकल्प के तौर पर बॉडी बिल्डिंग को चुना जाए, जिससे न सिर्फ स्वास्थ्य में सुधार होगा बल्कि मानसिक रूप से भी युवाओं को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। कार्यक्रम के संयोजक गौरव चौधरी ने कहा कि पूरे उत्तराखंड से प्रतिभागी यहां पर पहुंचे हैं। आज हरिद्वार और उत्तराखंड का युवा नशे की जद में है, जरूरत है उनको बॉडी बिल्डिंग के माध्यम से अपने आप को पहचानना होगा। अपने शरीर को सुंदर और स्वस्थ बनाने के लिए निश्चित रूप से बॉडी बिल्डिंग को अपनाना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि आजकल जिम में जिस तरह से नशाखोरी बढ़ती जा रही है, वो भी अपने आप में चिंता का विषय है। हमारा इसका उद्देश्य सीधा सा है, नशे से जंग, क्योंकि बच्चे आजकल फिटनेस अपने शरीर को छोड़ के नशे की ओर ज़्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं। गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, शराब आदि का सेवन करते हैं, हालांकि उनकी उम्र वो व्यायाम करने से अच्छा वो नशे को सोचते हैं, पर नशे से उनका जीवन खराब हो रहा है, उनकी स्वस्थता खराब होती जा रही है। दिन पे दिन हमारा जो यूथ है वो नशे की कतार पे आ रहा है, तो इससे ही हमारी जंग है कि बच्चों को मोटिवेट किया जाए और मोटिवेट करने के बाद वो अपनी फिटनेस का ध्यान रखे, क्योंकि शरीर जब स्वस्थ होगा तो सोच भी स्वच्छ होगी और हमारा देश भी आगे। वहीं बाजपुर साहिब बंटी ने कहा कि उन्होंने बचपन से ही ठाना था कि वो बॉडी बिल्डर के तौर पर अपने करियर को शुरू करेंगे, अपने शरीर को मजबूत बनाएंगे, लेकिन जिस तरह से आज का युवा नशे में अपने शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है, इससे आने वाली पीढ़ी निश्चित रूप से खराब हो जाएगी। आज हमें यही संदेश देना चाहिए कि बॉडी बिल्डिंग के सहारे न सिर्फ अपना और अपने परिवार का सहारा आप बन सकते हैं, आत्मनिर्भरता के लिए बॉडी बिल्डिंग एक सही विकल्प होगा। मैं आजकल के यूथ को यही कहना चाहूँगा कि कृपया करके वो नशे की जो लाइन है वो छोड़ करके अपना बॉडी बिल्डिंग का गेम चालू कर सकते हैं, उससे ये होगा आपको नशे की मुक्ति मिलेगी और अच्छी फिजिक मिलेगी, उससे ही आपको आगे का अपना फ्यूचर बनाने का मौका मिल सकता है। संवाद 365 के लिए हरिद्वार से नरेश तोमर की रिपोर्ट।